तो लावा ब्लेज कर्व 5G कैसा है गेमिंग में, लेट्स फाइंड आउट। तो गाइस आज के वीडियो में मैं लावा ब्लेज कर्व 5G को टेस्ट करूंगा गेमिंग में एंड बेंचमार्क्स इसमें रन करूंगा, देखो कि मेरे को क्या स्कोर्स देखने को मिलते हैं एंड गेमिंग में कैसा परफॉर्म करता है। तो उसके लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक जागरण पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है आयान, आप देख रहे हैं जागरण प्ले। तो गाइस देखो, मैंने जब फोन को फर्स्ट टाइम हटाया ना यार, ये प्राइस रेंज में ये फोन काफी ज्यादा प्रीमियम लग रहा था मेरे को। इसका डिजाइन काफी ज्यादा शानदार लगा था, आपको एक ग्लास पैक देखने को मिल जाती है, इसकी जो डिस्प्ले है वो कर्व डिस्प्ले भी है। तो देखने में फोन काफी ज्यादा शानदार है, इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। बात करें डिस्प्ले की तो 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले आपको मिलती है इसमें फोन में एंड 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट कैच आती है। ये कर्व डिस्प्ले जिसके कारण ये फोन काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। मेरे को इसके कलर्स काफी बढ़िया लगे थे, काफी ज्यादा पंची लग रहे थे कलर्स एंड मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा था गेमिंग करते वक्त। अब गाइस जब आप इसमें गेमिंग करोगे तो आपको हार्डवेयर भी जानना चाहिए। आपको इसमें Dimensity 7050 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे को Realme 12 Plus में भी देखने को मिला था एंड जिसका प्राइस है 20,000 है। तो गाइस हमारे को सिमिलर चिपसेट देखने को मिल जाता है, देखते हैं कि इसने कैसा परफॉर्म करा है। बेंचमार्क से बात करें तो आपके स्क्रीन पे इसका स्कोर 0 है। अब गाइस अगर जब मैंने इसमें बेंचमार्क्स टेस्ट किया तो मेरे को फोन इतना ज्यादा गर्म होते हुए देखने को नहीं मिला। 5 से 9 डिग्री तक ये ज्यादा टेम्परेचर्स के राइज होते हैं एंड मेरे को प्रॉक 4% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला था, जो कि काफी सही है। फर्स्ट जब मैंने इसको फोन फर्स्ट टाइम बूट किया था तो बैटरी ड्रॉप काफी ज्यादा जल्दी ड्रॉप हो रहा था, बट इसका एक सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद वो चीज रिजॉल्व हो गई। जैसे आप फोन को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो उसको सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना जल्दी जल्दी, क्योंकि उसमें आपको ऑप्टिमाइज बैटरी अपडेट देखने को मिलेगा जिससे आपकी बैटरी लाइफ काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। बात करें बैटरी की तो आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, इसकी बैटरी लाइफ काफी ज्यादा सही, आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है एंड आप इसमें आराम से लॉन्ग आवर्स की गेमिंग कर सकते हैं। ये फोन फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। बात करें रैम एंड स्टोरेज की तो आपको इसमें 8GB की रैम एंड 128GB की UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी एंड इसकी रीड एंड राइट स्पीड काफी ज्यादा सही है, तो ऐप ओपनिंग सब चीजें काफी ज्यादा जल्दी कर रहा था। साथ ही आपको इसमें 8GB का वर्चुअल रैम एक्सपेंशन देखने को मिलता है, बट आपको इसमें अपना स्टोरेज सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ओवरऑल फोन काफी ज्यादा सही लगा था मेरे को, इसका डिजाइन भी काफी ज्यादा सही है एंड इसके जो रीड एंड राइट स्पीड है वो भी काफी सही, तो फोन काफी ज्यादा स्नैपी एंड फास्ट है। तो गाइस बात करें गेमिंग तो यहाँ पे मैंने इसमें 3 गेम्स टेस्ट किए, जो कि थे Asphalt 9, Genshin Impact एंड BGMI। Asphalt 9 पे हाई क्वालिटी पे 60 FPS सपोर्ट करता है एंड सिंस Asphalt 9 एक लाइट गेम है तो इसने आराम से 60 FPS में गेम रन करी विदाउट एनी लैग्स। गेम बड़े चल रही थी, मेरे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला एंड मेरे कोई भी ऐसे चीटिंग इश्यूज भी फेस होते हुए देखने को नहीं मिले। इसमें Asphalt 9 काफी बढ़िया चल रही थी, मेरे कोई भी ऐसे प्रॉब्लम फेस होते हुए देखने को नहीं मिले। बात करें Genshin Impact की तो देखो मैंने इस पर हाई क्वालिटी पहले टेस्ट किया 60 FPS के साथ, उसमें आपको अप्रॉक्स 35 से 40 FPS देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई FPS मीटर नहीं था, मैं आपको ऐसे जनरल यूसेज के बेसिस में बता रहा हूँ कितने FPS देखने को मिल रहे थे। बात करें गेम प्ले की तो मेरे को थोड़े बहुत लैग्स एंड चॉपिनेस देखने को मिल रहा था एंड वही जब मैंने इसका ग्राफिक्स स्लो पे 60 FPS करे तो गेम प्लेबल थी, आपको 45 से 50 FPS देखने को मिल जाएंगे एंड गेम आप आराम से खेल सकते हो। Genshin Impact मैंने Realme 12 Plus में भी खेला था एंड उसमें मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, गेम लैग कर रही थी, स्लो सेटिंग में गेम लैग कर रही थी, बट इसमें ऐसा नहीं है। सेम चिपसेट होने के बाद भी इसमें परफॉर्मेंस मेरे को ज्यादा अच्छी लगी एज कम्पेयर टू Realme 12 Plus। अब बात करते हैं BGMI की तो यहाँ पे देखो आपको HDR अल्ट्रा फ्रेम रेट मैक्स सपोर्ट करता है एंड स्मूथ एक्सट्रीम तक जाता है, यहाँ पे आपको 90 FPS देखने को नहीं मिलेंगे तो आप 60 FPS पर लॉक रहोगे। बात करें लैंडिंग करते हुए मेरे कोई भी ऐसे लैग देखने को नहीं मिला, गेम स्मूथ चल रही थी एंड बहुत ही बढ़िया चल रही थी। बात करें TDM की तो यहाँ पे मैंने इसका जायरोस्कोप भी टेस्ट किया एंड इस प्राइस में जायरोस्कोप काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था मेरे को, मेरे कोई भी जायरो डिले या जायरो लैग देखने को नहीं मिला, जायरोस्कोप काफी रिस्पॉन्सिव था एंड इसका जायरोस्कोप काफी बढ़िया इस प्राइस रेंज में। बात करें गेम प्ले की तो TDM खेलते हुए मेरे कोई भी लैग देखने को नहीं मिला एंड सिंस इसके कर्व डिस्प्ले तो मेरे को लगा था कि मेरे मिस टचेस काफी देखने को मिल सकते मेरे को, बट मेरे कोई भी ऐसे मिस टचेस देखने को नहीं मिले। इसकी डिस्प्ले इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी मेरे को कि मेरे को Genshin Impact जैसी गेम्स एंड BGMI खेलते हुए इतना मजा आ रहा था गाइस। गेम प्ले वाइज मेरे को कोई भी लैग देखने को नहीं मिला, बहुत ही बढ़िया चल रही थी गेम, मेरे को 60 FPS कंसिस्टेंट मिल रहे थे। बात करें हीटिंग की तो मेरे कोई भी ऐसे हीटिंग फेस होते हुए देखने को नहीं मिली, फोन काफी ठंडा था डिस्पाइट इसका डिजाइन इतना पतला फॉर्म फैक्टर इस फोन का, उसके बावजूद भी ये फोन ठंडा था, मेरे कोई भी ऐसे हीटिंग इश्यूज फेस होते हुए देखने को नहीं मिली। तो गाइस अगर आपको एक मेड इन इंडिया फोन चाहिए तो लावा ब्लेज कर्व एक बढ़िया फोन है गेमिंग के लिए। तो गाइस एट अ प्राइस ऑफ 18,000 लावा ब्लेज कर्व 5G एक बढ़िया गेमिंग फोन है, ये एक मेड इन इंडिया फोन है यानी कि काफी ज्यादा बढ़िया फोन बनाया है लावा ने। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम मिला तो काफी प्रीमियम लग रहा था ये फोन 18,000 होने के बावजूद भी एंड काफी ज्यादा शानदार लग रहा था, इसकी डिस्प्ले भी काफी ज्यादा शानदार है एंड इसकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको Realme 12 Plus का अल्टरनेटिव लेना तो लावा ब्लेज कर्व 5G एक बढ़िया ऑप्शन है, बट अगर आपको टोटली गेमिंग के लिए जाना तो आई वुड सजेस्ट कि आप iQOO Z9 लीजिए या फिर थोड़ा और मोर इन्वेस्ट करके Nothing Phone 2A लीजिए। बाकी क्या आप ये फोन लेना चाहेंगे या नहीं आप मेरे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना जागरण प्ले को। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड प्ले गेम्स।